लोडिंग एंड लोडिंग एजेंट बात कर रहा हूँ। यहाँ से सर प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि 20 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, भले हमारे फादर अभी हम तो रोज़ का हमारा लोडिंग एंड लोडिंग का पेरिशिबल का काम है। तो अब अचानक से गाड़ी कॉर्ड लाइन से जाने के थ्रू यहाँ का अर्निंग वगैरह पार्सल का रोज़ का हम यहाँ पर कमाई करके देते। एक सिंगल गाड़ी का अर्निंग है यहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपये का रोज़ का। और यहाँ के तकलीफ ये हो रहा है कि अभी हमारे पास में है लेबर वगैरह, अचानक गाड़ी वहाँ से जाने के बाद में अभी हमारा ऐसा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पूरा का पूरा माल हमारे को यहाँ से लेके जाना पड़ रहा पूरा। अब रोज़ का लेबर को तो चला नहीं सकते लड़के लोगों को, माल यहाँ से जाने की वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है, लेबर लोगों को भी हमारा नुकसान हो रहा है। रोज़ का रोज आते ला के देंगे सर बाहर से पैसा इनको। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी पेरिशेबल माल रहता, माल की कीमत रहती करीबन 1-1.5 लाख रुपये। अभी शेतकारी का भी नुकसान हो रहा और हमारा भी नुकसान हो रहा। अभी यहाँ से पूरा ये गाड़ी देख रहे सर आप, ये पूरा माल यहाँ पे लेके आके ये पूरा भेजना पड़ेगा। अभी ये पूरा बाहर माल वापस बाय रोड लेके जाएंगे और पूरा माल का नुकसान हो जाएगा सर ये अभी। और ये हमारे लेबर वगैरह इनका भी पूरा नुकसान है सर। रोज रोज का पैसा कहाँ से इनको अभी ये करेंगे, जितने भी गाड़ी है हमारा 40 लेबर है हमारे सर, रोज का कहाँ से उनका घर चलाएंगे सर। दिक्कत ये हो रहा है कि जितने भी गाड़ी है हमारा रोज का पूना पटना झेलम महाराष्ट्र हावड़ा जो भी गाड़ी है सब फास्ट गाड़ी जो भी है कॉर्ड लाइन से जाने की वजह से बहुत दिक्कत आ रहा सर यहाँ पर।
फोर लाइन से अगर ना जाते हुए अंदर आती यहाँ पे तो सभी लोगों का काम चलेगा सर, हमारा काम चलेगा, घर चलेगा, शेतकारी लोगों को योगदान होगा सर, और तो और पार्सल चलेगा हमारा रोज का सर, अर्निंग रहता है रोज का हमारा, 2-5 रुपए का काम होता है रोज का, लेबर लोग चलेंगे हमारे, उतना कृपया करके जरा रेल मंत्री से हमारे लिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट कराइए सर कि जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल हमको ये सुविधा वापस ये मिल जाए हमारे को, कि विनती है सर कि जल्द से जल्द हमारा काम आप सक्सेस कराइए सर। बस संघटन रेलवे मंत्र्यांना विनंती करत आहे कि 1947 पासून आतापर्यंत जेवढे भी वेंडर होते, वेंडरसाठी कुठल्याही रेल्वे मंत्र्यांनी वेंडरसाठी कुठलीही स्कीम किंवा कुठलीही योजना काढली नाही। आता दौंड सध्याला दौंड रेल्वे स्टेशनवर 150 वेंडर असून 150 वेंडर लोकांचा घरांचा त्यांच्या लेकरांचा त्यांच्या बायकांचा उपासमारीची वेळ रेल्वेमंत्र्यांनी आणली तर त्याच्याकरता रेल्वेमंत्र्यांनी आमच्यावर कृपा करावी की ज्या स्क्वॉड लाईनला गाड्या चालल्या त्या गाड्या परत दौंड रेल्वे स्टेशनला याव्यात, हीच आमच्या दौंड रेल्वे स्टेशन वेंडर संघटनेकडून विनंती आहे। हे पीयूष गोयल व महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार यांनी त्वरित याच्यावर ही कारवाई करावी ही विनंती आहे। दौंडवरून जेवढ्या गाड्या स्क्वॉड लाईनला गेल्यात त्या गाड्यांचे नावे महाराष्ट्र एक्सप्रेस, यशवंतपूर, अजून झेलम एक्सप्रेस, अजून हावडा पटना एक्सप्रेस, गोरखपूर एक्सप्रेस, चंडीगढ एक्सप्रेस, ह्या सर्व गाड्या तिकडून गेलेल्या आहेत, जेणेकरून या 150 वेंडरचं व 150 वेंडरची घरं ही कुटुंब पोट भरत होते, त्याच्याकरता ह्या गाड्या वापस दौंड रेल्वे स्टेशनवरून जाव्यात, हीच विनंती दौंड रेल्वे स्टेशन वेंडर संघटनेकडून ही रेल्वे मंत्र्यांना, मोदी सरकारला, महाराष्ट्र सरकारला ही विनंती आहे।